मध्य प्रदेश में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद सीएम कौन बनेगा, इस पर सभी की निगाहें हैं। सीएम की रेस में भी कई लोग माने जा रहे हैं। हालांकि पार्टी नेताओं को लेकर कई राजनीतिक विश्लेषज्ञों का कहना है कि शिवराज सिंह चौहान ही इस रेस में सबसे आगे हैं, मगर शिवराज के बयान के बाद सियासी हलचल अब और बढ़ गई है। शिवराज सिंह चौहान ने एक वीडियो जारी कर कहा कि वो सीएम पद की रेस में बिल्कुल भी नहीं है। मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का मिशन है और एक कार्यकर्ता के नाते उस मिशन को पूरा करने में हम दिन और रात लगे हैं। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं, उनके साथ काम करने का अवसर मिला है। मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है और ऐसे भारत के निर्माण के हम उपकरण हैं। मेरा पूरा विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमारी आंखों के सामने भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा और शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन पूरी दुनिया को कराएगा। इस मिशन को पूरा करने में एक कार्यकर्ता के नाते मैंने सदैव अपने आप को समर्पित किया है। मैं मध्य प्रदेश की जनता का हृदय से आभारी हूं। विधानसभा के चुनाव में उनका भरपूर प्यार और आशीर्वाद हमें मिला है, अभूतपूर्व जन समर्थन। मेरे भाइयों ने, मेरी लाडली बहनों ने, मेरे भांजे भांजियों ने जो प्यार और समर्थन दिया है वो अभूतपूर्व है। मैं उनका हृदय से आभारी हूं और एक परिवार के सदस्य के नाते हम उनके लिए काम करते रहेंगे। मैं एक कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने जब जो काम दिया उस काम को पूरी प्रामाणिकता, ईमानदारी और जितना मुझ में सामर्थ्य था उस सामर्थ्य को झोंक के मैंने वो काम पूरा करने का प्रयास किया है। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूं। मैं एक कार्यकर्ता के नाते सदैव भारतीय जनता पार्टी मुझे जो भी काम देगी उस काम को समर्पित भाव से अपनी संपूर्ण शक्ति, क्षमता और प्रामाणिकता, ईमानदारी से सदैव करता रहूंगा। मोदी जी हमारे नेता हैं और उनके साथ काम करने में हमने सदैव गर्व का और आनंद का अनुभव किया है। प्रदेश की जनता का एक बार फिर से आभार।